यहाँ पर एयर बबल्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीआर प्ले। और आज इस वीडियो में मैं एक कार लाया हूँ जो कि टाटा की तरफ से है। कौन सी है, क्या है, ये आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ इसमें मैं ओनर रिव्यू आपको देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ इस कार का एक्सपीरियंस जो है ओनर का वो कैसा रहा है, क्या दिक्कतें आई हैं, क्या परेशानी आई है। ये शब्द मैंने पहले यूज़ किया, ना कि इसमें अच्छाई क्या है इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है टाटा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वहाँ सर्विस की कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। तो यहाँ ओनर का क्या एक्सपीरियंस है ये आप जानेंगे। तो चलिए, देर किस बात की। तो कार को तो आपने देख लिया, टाटा नेक्सॉन है ये। अगर आप नहीं समझोगे तो मैंने आपको बता भी दिया है। साथ ही साथ ओनर जो हैं उनसे मैं मिलाता हूं आपको, तो वेलकम करते हैं उनका। और बिल्कुल, और बस बढ़िया, आप बताइए और अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारी जो ऑडियंस है उनको दीजिए। जी, मेरा नाम प्रशांत है। मेरे पास ये टाटा नेक्सॉन लगभग 2015 से है। ये उसका टॉप वेरियंट है। ओके, तो बस यही है इस गाड़ी की मेन चीज़। मेन चीज़ यही है। और कितना समय हुआ है गाड़ी को लिए हुए और क्या एक्सपीरियंस था वो तो हम बाद में जानेंगे, पहले कितना समय हुआ है और कितना चल चुकी है गाड़ी ये हमारे ऑडियंस को आप बताइएगा। ये लगभग मेरे को 5 साल हो गए हैं इस गाड़ी के साथ। ओके, और ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर से ही चली है, अभी ज़्यादा चलाई नहीं है। तो ये आपकी घर में जो है पहली गाड़ी थी या इससे पहले भी कोई गाड़ी थी? जी, मेरे लिए तो ये मेरी पहली ही है। Okay. इससे पहले तो हमारे पास जो थी वो एम्बेसडर थी। Okay. उससे पहले तो कोई नहीं। अब आते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पे, और गाड़ी के एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इसमें भी हम कई पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ चलाने में परफॉर्मेंस में है उसमें क्या कुछ आपको कमी या कुछ कुछ फ़ायदा जो है आपको देखने में मिलता है इस गाड़ी को चलाने में या अच्छा लगता है? सबसे सही तो मुझे इसका एवरेज लगता है। अभी भी ये गाड़ी मेरे को लगभग 18.8 तक किलोमीटर्स पर किलोमीटर की रेंज दे देती है मुझे माइलेज। ओके, ओके। प्लस इस टाटा की सबसे अच्छी जो पहले मेरे को अच्छी लगती थी वो थी सर्विसिंग। ओके, जो हमारी सर्विस थी टाटा की सबसे अच्छी थी। ओके, बट लेटली जब से मैंने जहाँ से ली थी वहाँ से बंद की, दूसरी जगह जहाँ से मैंने ऑप्ट करना शुरू किया वहाँ से मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी। ओके, गाड़ी में मैंने मेजरली वहीं पर देखी। तो यहाँ पे आपने कुछ कमियाँ बताई थी पेंट को लेकर, ये जो पपड़ी है और बबल्स हैं ये निकल रहे हैं, ये कब से प्रॉब्लम आ रही है? ये लगभग मेरे को लास्ट ईयर से ही ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। okay. यहाँ का पेंट उतरा है हमारे। okay. कई जगह स्पॉट्स पड़ गए हैं ऐसे ही, सेम इधर भी यही हुआ है और नीचे भी। यहाँ पर एयर बबल्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, और ऐसे ही पूरी गाड़ी में स्पॉट्स पड़ते जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपकी गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि आफ्टर मार्केट पेंट आपने कराया, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो हमें गाड़ी मिली है वैसे ही सेम एज इट इज़ है अभी तक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कंपनी पेंट है, ये ऐसा लग रहा है आफ्टर मार्केट है या उनने किसी लोकल पेंटर से पेंट कराया, इस तरह से दिख रहा है। और कंपनी में अच्छे से पेंट नहीं हुई है, या हो सकता है कि पेंट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कुछ, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम जो है ओरिजिनल पेंट में होती ही नहीं है, नामुमकिन है अगर वो कंपनी पेंट रहता है तो। एक्चुअली आप पूरा पेंट देख सकते हैं, पूरी गाड़ी में सेम पेंट ही है, पूरा ही वही कंटिन्यूएशन में है, कहीं चेंजेस कुछ आपको नहीं दिखेंगे सिवाय ये सब चीज़ों के। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो देख रहा हूँ कि कलर शेड्स जो हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ इस पैनल में अलग है इस पैनल में अलग है, तो वो लग तो रहा है ऐसे देखने में कि कंपनी पेंट ही होगी, ये ओरिजिनल पेंट ही होगा कंपनी वाला। पर यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है, जो इशू है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर ये यानी कि सीधी सी बात है कि जो कंपनी से पेंट हुआ है ये उस क्वालिटी का नहीं हुआ है, और क्वालिटी काफ़ी डाउन कर दी गई थी, या तो बाहर से पेंट कराया उनने, क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह के इशू तो बिल्कुल भी कंपनी फिटेड पेंट में होता ही नहीं है। दूसरा जो मैंने इशू फेस किया है वो गाड़ी के अंदर का है। जैसा कि आप अगर देखेंगे हमारा ये पोर्शन जो है, ओके, यहाँ से हमारा पानी लीक कर रहा है, मतलब यहाँ से आई गेस यहाँ से जाता है? जी, यहाँ से कोई ओपनिंग है जिसके थ्रू यहाँ से हमारा पानी एंटर आ रहा है। यहाँ पर है,
यहाँ से पानी लीक कर रहा है, इसके लिए मुझे सर्विस सेंटर ने कहा है कि आपका क्या कर सकते हैं, हम आपका पूरा ग्लास ब्रेक करके आपको एक्सीडेंटल क्लेम में ही कर सकते हैं, या दूसरा है पूरा आपका ग्लास निकलेगा, जो कि वो फिजिबल नहीं है, और नया ग्लास लगवाने में भी प्रॉब्लम है आई गेस, इसका और कुछ तरीका नहीं है उनके हिसाब से। तो पानी क्या है, हल्का हल्का लीक करता है या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा लीक करता है यहाँ से। ओके, तो कई बार उसके वजह से नीचे भी शॉर्ट सर्किट होने का डर है। ओके, और ये बारिश के टाइम पे होता होगा? जी, मेजरली बारिश साथ या वॉशिंग टाइम पे। लेटेस्ट रिलीज ही हुई थी मेरे को भी, ऑलमोस्ट आई गेस ये फर्स्ट थी। अच्छा, फर्स्ट या सेकंड हमारे पूरे लखनऊ में? ओके, टॉप मॉडल्स में ये सेकंड थी। हाँ, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टार्टिंग के जो स्लॉट रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू थोड़ा बहुत रहता ही है, पर उसे कंपनी फिर भी रिजॉल्व कर देती है। जैसे कि हम महिंद्रा में देख सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कंपनी, और अब बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है सर्विस को लेकर भी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है प्रीमियम अपनी उन गाड़ियों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस है। और टाटा कब अपना ये रवैया जो है सुधारेगी, क्योंकि उनकी गाड़ी जो है बहुत एक्सेलेंट है, नो डाउट काफ़ी अच्छा काम कर रही है टाटा, पर जो सर्विस है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो शार्क फिन एंटीना था, ये कंपनी फिटेड है या आफ्टर मार्केट लगाया था आपने? नहीं, कंपनी फिटेड है, इससे मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो मैंने एक्सटीरियर कराया हो। अच्छा, मतलब एक्सटीरियर बाहर से जो है आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं है जी, सब कंपनी फिटेड है। एग्जैक्ट, तो यहाँ भी मैं कलर देख रहा हूँ जो है कंपनी फिटेड, आपको शार्क फिन एंटीना मिला फिर भी कलर जो है वो वहाँ पर उतर रहा है, तो जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ और तो चलो यहाँ साइड में तो स्क्रैच लगता है, गाड़ी रोड पे चलती है तो वो लगता ही लगता है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और बाकी मैं देख रहा हूँ गाड़ी कंडीशन जो है वो ठीक ठाक है जिस हिसाब से गाड़ी आपको मिली है, और गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ कि अब चला के देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। और तो जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, नो डाउट। और आपको चलाने में कैसी लगती है गाड़ी? चलाने में तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ ड्राइव है। आप इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देख सकते हैं, चाहे तो आप ट्राई करेंगे इसमें, इको में तो सबसे सही चलेगी। बट अगर आपको पावर चाहिए तो एक बार स्पोर्ट्स मोड्स ट्राई करिए। तो इसमें आपने सबसे ज्यादा किस मोड में चलाया है? मैं क्योंकि ज्यादा गांव जाता हूं तो मैं इकोनॉमी में ही प्रेफर करता हूं। ओके, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी। स्पोर्ट्स मोड में आपने कभी देखा है क्या माइलेज देती है आपको? नहीं, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है ज्यादा, बट मैं खुश हूँ जितना भी है। ऑफ रोड वगैरह गांव में रोड कैसी है जहाँ पे गांव में आप चलाते हैं? मेरी नॉर्मल रोड है, जैसे हमारी यहाँ पर है लखनऊ में ही। अच्छा, सिमिलर है, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग खावट रास्ते में या नहीं, इतना मुझे ऑफ रोडिंग नहीं करनी पड़ी है अभी तक। ओके, नॉर्मल ही रोड है। तो नॉर्मल रोड है यहाँ पे आपने चलाई है, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है गाड़ी से। बाकी आपको सस्पेंशन वगैरह में कोई दिक्कत कभी देखने के लिए? नहीं, अभी तक मुझे सस्पेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके, और सर्विस में कुछ मेजर ऐसी कोई सर्विस करानी पड़ी हो जिसमें ज्यादा अच्छा खासा खर्च आया हो? सर्विस में वही ऑलमोस्ट मेरा जाता है 15 तक कभी कभी चला जाता है। ओके, वो थोड़ा मेरे लिए हो जाता है एक्सपेंसिव। ओवरऑल वरना फिर ठीक ही है इतना। अभी तक जो सर्विस आप करा रहे हो जी, तो उसमें क्या आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है पर सर्विस का? ऑलमोस्ट मेरे को लास्ट टाइम 15,000 पड़ा था। ओके, 15 to 16,000। ओके, उससे पहले जो मैंने कराई थी वो भी अराउंड 8 to 10,000 पड़ रहे हैं मेरे को। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ऑफ रोड भी आप जाएं तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली। मुझे भी नहीं लगता है कि मेन, तो मैंने इसीलिए पहले लिया था क्योंकि हमारे यहाँ रोड इतनी अच्छी नहीं थी, बट लेटली फिर वो रोड वहाँ बन गए तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा फिर। ओके, उस तरह से आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी जी। एग्जैक्टली, तो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में आप किसी को ये गाड़ी रिकमेंड करना चाहेंगे या नहीं? श्योर, क्यों नहीं, बस सर्विसिंग से ही मेरे को प्रॉब्लम है और तो मेरे को ऐसा सच कोई नहीं। मैंने अपने दोस्त को भी रिकमेंड की है। ओके, उसने भी लेटेस्ट नेक्सॉन एग्जेड ही ली है, एग्जेड प्लस ही ली है, पेट्रोल वेरिएंट लिया है लेकिन। हाँ, तो मुझे भी इस सेगमेंट में जो है काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, नो डाउट। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे सेफ्टी से जुड़ा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता इस गाड़ी को लेने के बाद। और आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे इंस्टाग्राम पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करिए, अपने लिए, अपनों के लिए।